अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अमजद खेरा। मैं आज आपको बताऊंगा कि वाटर फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे। प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पिक्सार्ट को ओपन कर लेते हैं। इसका पेज इस तरह ओपन होगा। उसके बाद प्लस आइकन पे टैप करेंगे और हम यहाँ से पिक्चर को ले लेते हैं। पहले हम बैकग्राउंड लेंगे। गाइस, ये बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड जो भी आल पीएनजी और इमेज में इस्तेमाल करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बैकग्राउंड के बाद हम ऐड फोटो में जाके पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर है, हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, पिक्चर ऐड हो गई। उसके बाद हम फिर ऐड फोटो में जाएंगे। उसके बाद हम एस पी एन जी को ऐड कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, चीज एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद फिर हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद हम एक दूसरा फोटो पीएनजी ले लेते हैं। ये वाला पीएनजी ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इतना एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह हम खींच इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इतना अच्छे से एडजस्ट कर लें। उसके बाद हम यहाँ ब्लेंड में जाएंगे। ब्लेंड में जाने के बाद यहाँ पे इसको ओवरले कर देंगे। आपको यहाँ ओवरले मिल जाएगा। ओवरले कर देने के बाद आपको यहाँ मिल रहा होगा एडजस्ट। एडजस्ट में जाने के बाद सैचुरेशन को इस तरह बढ़ा दें। इस तरह बढ़ा देने के बाद उसके बाद ब्राइटनेस में जाएँ। ब्राइटनेस थोड़ा सा हम दे देते हैं। ये 19-20 पेपर रखने उसका डन कर दे। डन करने के बाद आप अब हम यहाँ से ओपेसिटी देते हैं। थोड़ी सी ओपेसिटी मैच कर देते हैं। ओपेसिटी ठीक है। उसके बाद हम डन कर देते हैं। डन कर देने ये डन उसके बाद फिर एड फोटो में जाए। एड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ से एक और पीएनजी लेते हैं। ये वाला पीएनजी ऐड करते हैं। ये वाला पीएनजी ऐड करते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने लगाना है इसको। अच्छी तरह से आपने भी इस तरह एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम एक और पीएनजी ले लेते हैं। ऐड फोटो में जाएंगे। फोटो में जाने के बाद एक बार पीएनजी, जो भी मैं पीएनजी या बैकग्राउंड ऐड करूँगा उसके बाद हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, हम इसको फाइव रोटेट कर लेते हैं। इस तरह फाइव रोटेट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे। इसको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे।
ये देखो थोड़ा खराब है, पहले इसको एडजस्ट करते हैं। ये देखें ये एडजस्ट हम इसको कर देते हैं अच्छी तरह से। ये देखें इसको हमको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा से देखें होगा उसके बाद उसको एडजस्ट करेंगे। अच्छी तरह से आपने भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। ये देखें अच्छी तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको ऊपर इरेज का टूल मिल रहा है, उसके बाद इरेज में जाने के बाद इरेज को हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, ऊपर से यार्निश पुल कर दें और साइज अपने मुताबिक रखने के बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ये देखें ये इरेज हो गया, उसके बाद हम इसको डन कर देते। ये देखें डन हो गया, उसके बाद आपने अच्छी तरह से कर लेना। ये देखें ये डन हो गया, उसके बाद हम डन कर देते हैं। उनके बाद फिर एड फोटो में, एड फोटो में जाने के बाद एक तो और बैकग्राउंड वाटर पीएनजी ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ये बड़ा हो गया, उसके बाद इसको इस तरह आपने खींच लेना है। इस तरह खींच लेने के बाद उसको हम ब्लेंड में जाए, ब्लेंड में स्क्रीन पर ऐड करना, स्क्रीन पर ऐड करते हैं इस तरह। उसके बाद हम यहाँ से डन कर देते हैं। ये देखिए हमारा पिक्चर बहुत अच्छी तरह बन गया। ये वाटर वाला आपने सही तरह लगाना है, मुझसे सही तरह नहीं लगा। ये देखें जल्दी में थोड़े से आपने अच्छी तरह लगा लेना। उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको ले जाते हैं लाइट रूम में हम इसको ले जाते हैं। हम लाइट रूम को ओपन कर लेते हैं। लाइट रूम में इस तरह का पेज ओपन होगा, उसके बाद आपको ये प्लस के आइकन पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ से आपने फ़ोटो ले लेना है, जो भी आपका फ़ोटो है। ये देखिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, जो फ़ोटो है मैं इसे पिक्सार्ट पे फ़ोटो में चला जाता हूँ, वहाँ से फ़ोटो ले लेता हूँ। कौन सा फ़ोटो है ये देखें, ये फ़ोटो आ गया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ी सी कलर एडिटिंग कर लेते हैं ताकि पिक्चर अच्छी तरह हो जाए। सबसे पहले आपको जानना होगा यहाँ पे लाइट में जाने के बाद कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दें। इसको क्या होगा यार, कभी कभी काम भी नहीं करता है। ये देखें इसका हम थोड़ा सा 10 पे रख देते हैं, 9-10 पे रख देते हैं। उसके बाद इस अगले टूल पे आ जाने के बाद सैचुरेशन में जाएं, सैचुरेशन को थोड़ा सा 15 पे रख देते हैं। इसको थोड़ा सा 15 पे कर दें। उसके बाद इस अगले टूल पे आने जाएं, पे आने के बाद इसको छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसको शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ा दें, 150-160 पे या कहीं भी रख दें। देखें ये हो गए यहाँ पे रखने। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे इस कलर वाले कलर पे जाने के बाद इस ऊपर आपको मिल रहा होगा मिक्स टूल में जाने के बाद वीडियो में जाएं। वीडियो में जाने के बाद यहाँ से आपको वीडियो को थोड़ा सा माइनस कर देना है। माइनस हम थोड़ा सा करके 10 पे 11-12 पे रख दें। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरह बढ़ाते हैं, इसको भी 10 पे रख दें। ये देखें ये बहुत ही अच्छी तरह हो गई। ये देखें बिफोर, ये देखें ये आफ्टर, ये हो गया डन। उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं डन। इसको हम शेयर ऑप्शन में यहाँ से सेव टू डिवाइस, ये देखें ये सेफ्टी डिवाइस हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। ये देखिए आपकी पिक्चर फीड हो गया गैलरी में, सेव हो गया गैलरी में। जाने के बाद लाइट रूम आपका लिखा होगा, वहाँ पे जाएंगे ये पिक्चर वहाँ सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें।
अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।